सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोग का दोस्त और चैनल का होस्ट फरहान। दोस्तों आगे हूँ आप लोग के लिए मैं एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम का एक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का फुल डेडिकेटेड वीडियो लेकर के। दोस्तों एक्चुअली में ये वीडियो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो होने वाला है एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम के। प्लस इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है वो रिलीज डेट की भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर जो है वो बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहना एंड तक के, कंप्लीट न्यूज आप लोग को मिलेगी। जल्दी से कर दो आप लोग वीडियो को लाइक, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है ना, वो ऐसे है दोस्तों कि ये जो गेम है वो अपने ना ही तो लो एंड डिवाइस के अंदर चलने वाला है और ना ही नॉर्मल मिड रेंज फोन्स के अंदर चलने वाला है। बिल्कुल भी आप लोग जो इस गेम को इस सभी फोन्स के अंदर खेल नहीं पाएंगे दोस्तों। ये जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम है दोस्तों, ये चलेगा सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स के अंदर ही। फ्लैगशिप फोन से मेरा मतलब है 6GB रैम मिनिमम के अंदर, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 की जो सीरीज है उतनी या उससे ज़्यादा के जो प्रोसेसर है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर ये जो गेम है वो चलेगा दोस्तों। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी इस गेम को लेकर के एक जो है वो बैड न्यूज़ है सभी लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी जो है इस गेम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, और आप जितने लोग हैं यहाँ पे वो भी काफ़ी लंबे टाइम से इस गेम का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जानना आपको ज़रूरी है कि जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है यार, यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा बड़ा पंगा है कि ये जो गेम है वो सिर्फ चलेगा फ्लैगशिप फोन्स के अंदर। क्यों ऐसा है वो भी सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये जो गेम है वो जब लॉन्च होगा तो उसके जो ग्राफिक्स है प्लस जितनी चीज़ें हैं, एक्चुअली में एक तो वो गेम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा, ओके, प्लस ग्राफिक्स तो यार देखो एकदम हाई लेवल के होने वाले इस गेम के अंदर। उसके अंदर आप लोग को जो है वो HD क्वालिटी के जो है वो ग्राफिक्स देखने के लिए मिलने वाला है, जैसा PC का गेम यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, जैसा है PC का गेम वैसा ही जो है वो ज़्यादा करके सेम टू सेम जो गेम है वो आप लोग को एंड्रॉयड के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोग ये नहीं बोल सकते, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो को नीचे, और वो लोग बोलेंगे कि भाई जो PC का गेम होता है वो अलग होता है और जो एंड्रॉयड के अंदर ग्राफिक मिलते हैं वो जो है वो अलग मिलते हैं। तो यहाँ पे आराम से जो है वो गेम चल जाएगा 2-3 GB रैम के फ़ोन में भी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो चीज़ होती है ऐसी, ये मैं मानता हूँ कि ऐसी होती है चीज़ें कि भाई PC का जो है वो गेम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, लेकिन एंड्रॉयड में जब वो आया तो काफ़ी लो ग्राफिक्स के साथ में जो है वो लॉन्च किया गया। वो ऐसे कुछ गेम्स के साथ में होता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रेट ऑटो स्पोर्ट गेम है रेसिंग का गेम, उसके आप लोग PC ग्राफिक देखो प्लस जो एंड्रॉयड के अंदर गेम है उसके ग्राफिक्स देखो, टोटल सेम है। कोई भी जो है वो आप लोग को इसके अंदर जो है वो कमियां देखने के लिए नहीं मिलेगी, पूरा तरीके से सेम गेम बनाया हुआ है। जैसे PC में ग्राफिक है वैसे एंड्रॉयड में भी ग्राफिक है, तो इसका भी दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट करके जो है वो सेम टू सेम होगा एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम का। जैसे PC में बाकी अदर कंसोल्स में आप लोगों को ग्राफिक देखने के लिए मिल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑलमोस्ट करके जो है वो आप लोगों को एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के अंदर भी ग्राफिक इसके सेम जो है वो देखने के लिए मिलेंगे ज़्यादा करके। इस पर से ये जो गेम है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लैगशिप फोन्स के अंदर ही केपेबल बैठने वाला है, बाकी के नॉर्मल फोन्स प्लस लो एंड डिवाइसेस में बिल्कुल भी ये जो गेम है यार वो चलने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो बैड न्यूज़ है सभी लोगों के लिए यहाँ पे। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब गेम यार इतना ज़्यादा बड़ा है तो अपने को फ्लैगशिप फोन्स तो यार यहाँ पे इसके लिए लेना ही पड़ेगा। मतलब लेंगे क्या, एक गेम के लिए आप लोग ऐसा नवा फ़ोन थोड़ी ना ले सकते हो। खैर मैंने आप लोग को सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बता दिया, यहाँ पे यही इसके फ्लैगशिप फोन जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होने वाले दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों एक तरीके से बैड न्यूज़ है, खैर मैंने आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों इसके रिलीज डेट की। तो खैर आप जो नॉर्मल जो लोगों के पास में फ़ोन है लो एंड डिवाइसेस का या मिड रेंज का, तो वो तो इस वीडियो को जो अभी के अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ है नहीं रिलीज डेट जान करके, क्योंकि आपके फ़ोन में तो चलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो जान लो कि इसकी जो रिलीज डेट है दोस्तों वो ऐसी है कि जो बीटा वर्जन है इसके वो अभी नवंबर मिड से लेकर के दिसंबर के अंदर अपने को फाइनल देखने के लिए मिलने वाला है। प्लस इसका जो ग्लोबल वर्जन है वो मई 2021 में लास्ट तक के जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। उससे पहले भी लॉन्च हो सकता है अगर डेवलपर ने कोई अपडेट दिया, लेकिन लास्ट में जो है समर 2021 के अंदर इसका ग्लोबल वर्जन फाइनल जो है वो अपने iOS और एंड्रॉयड डिवाइस के लिए लॉन्च यहाँ पे कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन बता दिया एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल की। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो उससे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल बाय फ्रेंड्स।